हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। अगर हम फर्स्ट लेक्चर में देखें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड कैटेगरी था उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं, उन सारे लेक्चर्स में हमने देखा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमने सारे केसेस देख लिए, हमने सारे पैरामीटर देख लिए हैं। हमने बात किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, हमने बात किया है मैक्सिमम हाइट अटेन, हमने बात किया है हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, और उनके डिफरेंट केसेस देखे हैं, उनके सारे रिलेशंस हमने देखे हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी हमने देखा है, ओके। आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अगर हमने एच हाइट से, है ना, ग्राउंड से एच हाइट से, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ओके, ध्यान से आपको समझना है, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से एच हाइट अबव, है ना, हो सकता है कि हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हों, या हम कहीं किसी एरोप्लेन में मूव कर रहे हों, या रॉकेट में मूव कर रहे हैं, एच हाइट अबव किसी बॉडी को हमने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो उसका मोशन जो होगा उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और मोशन कैसा होगा, मोशन हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि मोशन एक पैराबोलिक पाथ पे होगा, ओके, पैराबोलिक पाथ पे होगा, और यहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था उससे हॉरिजॉन्टली वो किसी आर डिस्टेंस पर जाकर ग्राउंड पर गिरेगी, ओके। तो इससे रिलेटेड सारे केसेस हमको देखना है, हमको इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखना। सबसे पहले हम इसमें जितने भी पैरामीटर होते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी होता है, जैसे एक्सेलरेशन होता है, जैसे वेलोसिटी होता है, पोजीशन होता है, ये सारे पैरामीटर हम देखेंगे दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अलग और वाई डायरेक्शन में अलग। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मोशन इन प्लेन की बात करेंगे तो सारे पैरामीटर को दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पर हम वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन होगा और हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। हमने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम सारे कंपोनेंट की बात करें, जैसे सबसे पहला अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, ध्यान से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझना है। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में ही बॉडी को प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से। अगर हम वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो होगा ज़ीरो। क्या होगा? वो होगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल जब उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं था, कंडीशन ही है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ओके। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वी आर थ्रोइंग बॉल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट एच, ओके। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सेकेंड पैरामीटर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमको पता है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, दैट इज जी, ओके, क्योंकि और कोई यहाँ पर फोर्स लग नहीं रहा है। तो एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो होगा ज़ीरो, और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बच्चा लोगों वो होगा माइनस जी। क्या होगा? माइनस जी। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी, ओके। एक्सेलरेशन की बात कर चुके हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस जी क्यों है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, क्योंकि ये सारे केसेस हम ऑलरेडी ऑब्लिक प्रोजेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अगर हम बात करें थर्ड, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो पर हमने प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू जीरो, और वो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यहाँ पर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसे लिखेंगे वी एक्स, और वी एक्स यू एक्स मतलब यू के बराबर ही होगा, ओके। हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पैरामीटर कौन सा देख रहे हैं? थर्ड पैरामीटर हम देख रहे हैं वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी
आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद में वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा यू, क्योंकि देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी यू ही रहेगा। अगर हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी। ओके, तो बच्चा लोगों यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, इट इज इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, दैट इज माइनस जी इन टू टी। सो दिस वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी टी, ओके माइनस जी टी, सो दिस इज माइनस जी टी। नाउ द फोर्थ पैरामीटर, द फोर्थ पैरामीटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। द फोर्थ पैरामीटर इज पोजिशन, द फोर्थ पैरामीटर इज पोजिशन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, पोजिशन आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद पोजिशन क्या होगा। तो अगर वो टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच जाता है, बच्चा लोगों जरा ध्यान से समझना है, टी टाइम के बाद अगर वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यहाँ से जो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा वो, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं वाई वन, ओके, पर हमको यहाँ ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में कितना पोजिशन है, दैट इज इक्वल टू वाई, ओके। तो अगर हम यहाँ पर x की बात करेंगे तो वो u इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर हम y डायरेक्शन की बात करें और y1 की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और अगर हम y की बात करेंगे तो वो होगा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ जरा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा कि वाई इट इज एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डेफिनेटली इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन यू विल मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन न्यूमेरिकल। ओके, सो वाई इट इज एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज इट इज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन 0, 0, इट इज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू 0, 0। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, सो यू कैन अंडरस्टैंड वाई इट इज़ एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पर हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न अभी भी आपके माइंड में हो कि एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्यों है, है ना। तो अगर हम यहाँ पर इस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ एच अगर वो वर्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। हाफ जी टी स्क्वायर कैसे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हम लिखेंगे ना, तो वो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से नीचे आने का। तो अगर हम ओरिजिन से, ग्राउंड से उसका हाइट देखें तो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है ना। इसी का अगर वैक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा। ओके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अगर इसी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, हम सारी चीजों का वेक्टर फॉर्म देखें, तो हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म हम कैसे देखेंगे। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, है ना, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो यू वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप होगा, देयर इज नो वाई कंपोनेंट। ओके, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी जे केप होगा, देर इज नो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम वेलोसिटी की बात करें आफ्टर टाइम टी, सो दिस वेलोसिटी विल हैव टू कंपोनेंट वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे केप। सो दिस वी वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज वी एक्स, दैट इज इक्वल टू यू जो कि कॉन्स्टेंट है, और व्हाट इज वी वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस जी टी जे के। सो इट इज वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम टी। ओके, अगर हम पोजीशन की बात करें, अगर हम पोजीशन की बात करें आर वेक्टर की, तो हम उसे लिखेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के। ओके, सो दिस पोजीशन आर वेक्टर कैन रिटर्न एज यू टी आई के प्लस एच माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर जे के, दिस इज द पोजिशन वैक्टर। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगर हमको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, मतलब कि ये ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद में प्रोजेक्ट करेगी, लैंड करेगी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना हमें, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में आर जो बताया है वो क्या होगा, ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा तब वेलोसिटी क्या होगा, ओके, वो हमको फाइंड करना है। और इसके बाद हमको इससे रिलेटेड और कुछ पैरामीटर का डिस्कशन करना है, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।